नमस्ते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। धारा जी, गुड मॉर्निंग। आपके कुछ सवाल हो तो चैट बॉक्स में जरूर से डालिएगा। गुड मॉर्निंग शोभा जी। गुड मॉर्निंग प्राची जी। अभी ये ड्यूरिंग द विंटर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग 20 मिनट सन में बैठे, और काफ़ी लोग कहते हैं समय नहीं मिल पाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बहाने बहुत होते हैं। अगर करने की इच्छा होती है तो उसके रास्ते भी हमें निकल आते हैं। तो रूपाली जी, गुड मॉर्निंग। आज मैं मेरी हर्बल टी, ये जो हमने रेसिपी देखी थी, मैरीगोल्ड फ्लावर्स, जिंजर, तुलसी, बेलपत्ता, ये लेके मैं यहाँ पे टेरेस पे बैठी हूँ। तो 2-in-1 चीज 3-in-1 हो जाता है। देखिए, यहाँ पे सेशन भी हो जाता है, हर्बल टी भी हो जाती है, सन बेडिंग भी हो जाता है। गुड मॉर्निंग कराती जी। हमें जब सन रेज मिलती है ना, तो ये हमारे बॉडीज़ में से एक्चुअली 200 माइक्रोबियल्स रिलीज़ करती है, और ये हमें हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, हमें बैक्टीरियाज़, वायरसेस, फंगाई, इनसे लड़ने के लिए शक्ति देती है। तो धूप में ज़रूर से बैठिएगा। यस, धारा जी इज सेइंग, आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। आई वांट व्हाट फर्स्ट थिंग टू हैव इन द मॉर्निंग। ओके, ये आपके प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करेगा धारा जी। तो हमने आई थिंक लास्ट हफ्ते में एक सेशन यहाँ पे लिया था, यही मॉर्निंग का सेशन, जिसके अंदर आपने आपकी खुद की प्रकृति कैसे जाननी है, यानी दोषा, बेसिकली दोषा यानी पित्त दोष, वात दोष या कफ दोष, तो ये आपका कौन सा दोषा है ये आपने जानना है। और ये दोषा एक तो हमारे पर्सनल इंडिविजुअल इंसान पर भी निर्भर करता है, ऋतु के हिसाब से भी निर्भर करता है, और दिन के समय के हिसाब से भी निर्भर करता है। तो अभी अगर हम ऋतु के हिसाब से देखें, और आपने सुबह का समय बोला है, तो सुबह के समय के हिसाब से देखें, तो सुबह सबसे पहले उठने के बाद में आपने ब्रश नहीं करना है टूथपेस्ट से। दैट इज़ फर्स्ट थिंग विच यू शुड अवॉइड डूइंग, बिकॉज आपके नॉर्मली जो इंसान करते हैं, ये टूथपेस्ट जो होता है, तो हमारे माइंड पे कंडीशनिंग की गई है कि जब तक सफ़ेद कलर का झाग ना हो, फेस ना हो, तब तक हमारे दांत स्वच्छ नहीं होते। दांत हो, बाल हो, शरीर हो, त्वचा हो, ये स्वच्छ नहीं होते, बट ये गलत है। आपके टूथपेस्ट में कंटेंट देखिए, वहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स है, केमिकल कंटेंट्स है, उसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड इसमें सोप में होगा, बट सोडियम लॉरियल सल्फेट, अगर सोडियम लॉरियल सल्फेट आपके टूथपेस्ट में है तो ये पॉइजन है। तो इससे सबसे पहले शुरुआत नहीं करनी है। और हम नैसर्गिक रहना है, तो नेचुरल रहना है। नेचुरल क्या होता है, तो हमारे रात में हमारा उपवास होता है ना, तो सुबह हम जो खाते हैं इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कि जो हमारा रात भर हमने फास्टिंग किया है, इसे ब्रेक कर रहे हैं हम। तो रात में जो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा जमा होती है, ये हमारी जो फास्टिंग होती है, पेट में कुछ नहीं होता है, उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसे आपने डाइजेस्ट करना है। तो सुबह सुबह आप गर्म पानी पीजिए, ये सीज़न में भी बहुत अच्छा है, बिकॉज ये कफ प्रकृति का सीज़न है, सुबह का समय भी और ठंडी का समय भी। सेकेंड चीज़, हमने ये काढ़ा देखा था, तो विंटर्स में जो है ये देखिए, ये वाला जो काढ़ा है, ये झेंडू के फूल यानि गेंदा फूल, मैरीगोल्ड फूल, ये जिंजर, अदरक, काली मिरी, लवंग, इलायची, तुलसी, बेल पत्ते,
तो ये सब मैं इसमें डालती हूँ। आपके पास में इसमें से जो भी है, कलमी अगर आपने वज़न कम करना है तो ये गुड़ जैगरी यानी ऑर्गेनिक जैगरी लीजिए, जो थोड़ा सा ब्लैकिश होता है कलर में, वाइट कलर है अगर जैगरी का तो उसमें सल्फर है, दैट इज़ अ केमिकल विच इज़ नॉट गुड, वो मत लीजिएगा। ब्लैक कलर का जैगरी या तो फिर काकवी होती है, काकवी इज़ अ स्टेट विच इज़ बिफोर फॉर्मिंग जैगरी दैट काकवी इज़ फॉर्म्ड, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो लीजिए इसमें। ये छान लीजिए आपका काढ़ा और फिर ऊपर से आप इसमें नींबू डाल सकते हैं। यस, क्रांति जी पूछ रहे हैं विंटर की कोई बढ़िया रेसिपी बताएं। देखिए रेसिपी आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, तो हर एक इंग्रेडिएंट्स के मैं आपको क्वालिटीज कुछ हम देख लेंगे। अभी हमने क्या खाना चाहिए, तो काली मिरी जो है, ब्लैक पेपर, दिस इज़ गुड फॉर आवर डाइजेशन सिस्टम एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर कफ प्रकृति। ये पित्त प्रकृति के लिए अच्छी नहीं है, समर्स के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज ये बहुत उष्ण होती है। इस सीज़न में अच्छी है, ऑफकोर्स लिमिट के अंदर, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लेनी है। जैसे मुझे कुछ दिन पहले थोड़ी सर्दी थी तो मैं इसके अंदर एक ब्लैक पेपर डालती थी, जस्ट वन, उसको पानी में उबाल लेती थी तो उसका जो भी अर्क है वो इसमें आ जाता था। सिनेमोन लीजिए, क्लव्स लीजिए यानी लवंग, दालचीनी, ये सारी चीज़ें आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। लहसुन का इस्तेमाल मत करिए, प्याज का इस्तेमाल मत करिए, ये तामसिक होते हैं। जिंजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए, जिंजर इज़ वेरी गुड फॉर दिस सीज़न, इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन एंड इट विल एनहांस द टेस्ट ऑल्सो। मिर्ची ये आपने कम से कम खानी है, बहुत कम खानी है, ये भी तामसिक ही होती है तो, और उष्ण प्रकृति भी होती है पर तामसिक गुण होता है, तो ये आपने कम खाना है। तो आप जो भी बनाएं, ये मैं तो नॉर्मली एक ही चीज़ बनाती हूँ, रोज़ टेस्ट अलग होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स कोई मुझे कभी पूछे तो रोज़ नया कुछ होता है, उसका नाम भी नया कुछ रोज दे सकते हैं। दैट इज़ मैं सारे वेजिटेबल्स इकट्ठा करती हूँ, वेजिटेबल्स इकट्ठा करने के बाद में उसे हम कीस लेते हैं, कीसने के बाद में जितने वेजिटेबल्स है उसमें सॉल्ट डाल दिया, नमक डालने से, और ये नमक जो है ये रॉक सॉल्ट ही लीजिए, समुंदर सॉल्ट नहीं लेना है, इसका भी हम कारण डिटेल में देखेंगे। मैं मेरे घर में तो सादा अपना सॉल्ट है समुंदर का, वो तो मैं लाती भी नहीं हूँ। रॉक सॉल्ट डालिए, उसको पानी छूटेगा थोड़ा सा, ये पानी के अंदर और ये सब्जियों के अंदर जितना आप आटा डाल सकते हो, मिलेट्स का आटा ज़रूर से डालिए, थोड़ा सा राइस फ्लोर डाल सकते हैं अगर क्रिस्पी चाहिए तो, थोड़ा सा, जस्ट 5%, एंड चने का आटा, चने के दाल का आटा यानी बेसन जो हम कहते हैं, ग्राम फ्लोर, ये डाल सकते हो, उसमें बहुत सारा अदरक डालिए एंड पैटिस बना लीजिए। मेरे बच्चे भी ये बहुत इन्जॉय करते हैं, इस पैटिस के अंदर ये पूरा सात्विक है, इसमें न आलू है, न प्याज है, न लहसुन है, ये बहुत बढ़िया है। प्राची जी पूछ रहे हिमालयन सॉल्ट, हाँ जी, हिमालय के पहाड़ों से जो सॉल्ट आता है, थोड़ा कभी पिंकिश होता है, कभी वाइटिश होता है कलर में, तो दैट इज़ गुड, दैट वी कैन यूज़। प्राची जी, यू शुड यूज़ दैट ओनली, येस, पिंक सॉल्ट इज़ हिमालयन सॉल्ट, दैट वी कैन यूज़, यस। सो इसके कभी कभी थेपले बना लीजिए, या जो ग्रिल टोस्टर होता है इसमें मैं रख देती हूँ, बंद कर देती हूँ, तो आई सेव लॉट ऑफ टाइम, उसे थापने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस डाल दिया एंड बंद कर दिया, दो ड्रॉप्स तेल डाल दिए। तेल यूज़ करना है तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही इस्तेमाल करें। इस सीज़न में तिल का तेल बढ़िया होता है, तो विच इज़ अगेन उष्ण प्रकृति, तो सीज़न के हिसाब से आप आपके तेल बदलिए, आपके दोषों के हिसाब, दोष जो है पित्तवात कफ, इसके हिसाब से तेल बदलिए, और नहीं तो देसी गाय का घी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, या पीनट ऑयल इज ऑल सीज़न ऑयल वैसे, बट अगर सर्दियों के हिसाब से ख़ास तौर पे उष्ण प्रकृति जो होती है तो तिल की होती है, आप मिक्स कर सकते हैं, कभी ये कभी वो अलग अलग रखिए, यानी
अभी जैसे अगर आपको लग रहा है आपके शरीर में थोड़ा कफ बढ़ रहा है, जैसे आपको सर्दी हो रही है, अभी सर्द बढ़ रही है और आपका आपको साइनस का प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह सुबह कभी नाक बहता है या कभी यहाँ पे आपको पेन फील होता है, दैट इज़ साइनस का प्रॉब्लम, यहाँ पे सब ये बढ़ जाता है। तो तुरंत आप उष्ण प्रकृति का तेल इस्तेमाल करिए, ये काढ़ा वगैरह पी लीजिए, जो मुझे पिछले हफ्ते में था अभी पूरा चला गया है, जस्ट काढ़ा, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। यस, ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।